Hey guys, welcome back to the channel and आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले टाउन हॉल 14 अपडेट डेट के बारे में। तो यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो एक प्रिडिक्शन होगी और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये जो मैं बताऊंगा प्रिडिक्शन होगी वो आप लोग जब वीडियो देख लोगे पूरा तब आपको भी पता चल जाएगा, नहीं भाई ये तो हो सकता है 90% एक्यूरेट प्रिडिक्शन मुझे तो लग रही है। ओके सो अब बिना टाइम गवाए हम लोग ये आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि भाई हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का एडमिन हूँ, उस ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो क्लैश ऑफ क्लैन इंडिया करके क्लैश ऑफ क्लैन कम्युनिटी का एक ग्रुप है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो क्लैश ऑफ क्लैन के कुछ भी चीज़ें, ओके क्लैन में ज्वाइन होना हो या फिर मेरे से बात करनी हो तो वहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो। डिफरेंट वॉर डाउनलोड के वॉर बेस भी आप लोग शेयर कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा ग्रुप है डिस्कशन करने के लिए, तो आप लोग वहाँ पे आके ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप की वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि भाई डेरे ने कहा था कि हम लोग नया टाउन हॉल लाएंगे तो उसमें 18 महीने का टाइम रखेंगे, वो तो आपको पता ही होगा कि भाई हर 18 महीने पे हम लोग नया टाउन हॉल लाएंगे, उससे ज़्यादा का टाइम हम लोग नहीं देंगे। ओके मैक्सिमम 18 महीने, उससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम जो डेरेन का एएमए हुआ था ना गाइस, उस एएमए में डेरेन ने ना एक चीज़ बोली थी, तो उसने बोला था कि भाई अप्रैल में अपडेट आएगी, डेरेन ने बोला था कि भाई अप्रैल में अपडेट आएगी। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ कि भाई टाउन हॉल 13 दिसंबर 2019 में आया था। ओके तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। सो अब हम लोग आगे बढ़ता हूँ कि भाई मैं आपको बताऊँगा कि भाई कब आएगा। तो जो टाउन हॉल 14 है वो आ सकता है अप्रैल में, ओके ये अप्रैल में, यस एक दो महीने के बाद अप्रैल में आ सकता है। अबे भाई कुछ भी बोलता रहता है तो कुछ भी भाई, चूतिया मत बना माई मेरे को। भाई अभी मैं प्रूव करता हूँ, रुक। तो यहाँ पे ये मेरी प्रिडिक्शन है और ये आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये मेरी एक थियरी है, ओके उस टाइप का। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे न्यूज़ में, तो यहाँ पे जो पूरा चैम्पियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का पूरा शेड्यूल आया हुआ है, तो उसमें देखो वो शुरू हो रहा है मई से, ओके मई से लेके अक्टूबर तक चल रहा है, ओके क्वालिफायर। अब यहाँ पे इस दौरान नए टाउन हॉल लेवल वो लोग नहीं दे सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके ख़त्म होने के बाद अक्टूबर 24th ख़त्म होने के बाद फाइनल होगा, तो फाइनल का एक महीना तो नवंबर हो जाएगा, ओके तो नवंबर वो। अब फिर लास्ट में कौन सा है, दिसंबर, तो दिसंबर 2021 आ जाएगा। तो टाउन हॉल 13 एंड टाउन हॉल 14 के बीच में दो साल का गैप हो जाएगा, क्योंकि मैंने आगे आपको बताया कि भाई टाउन हॉल 13 कब आया था वो, ओके मैंने वो आगे आपको बताया 2019 में आया था, उसको एक साल हो चुका है और वो एक साल के ऊपर दो महीने भी हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो दो साल हो जाएगा। और एज पर डेरियन स्टेटमेंट कि वो 18 महीने का गैप रखेंगे एटलीस्ट, ओके लाइक उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा रखने गए ओके तो बहुत लेट हो जाएगा। और इतने टाइम में ओके अगर इन लोगों ने दिसंबर 2021 में अपडेट दी, ओके ड्यूरिंग द ये पीरियड में वो लोग तो अपडेट नहीं दे सकते, तो अगर उन्होंने सोचा कि भाई चलो ना दिसंबर में देखते हैं क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोग नहीं दे सकते नया टाउन हॉल की अपडेट, तो वो बहुत लेट हो जाएगा फिर। तो ये पूरा साल जो मैक्स प्लेयर है वो क्या करेंगे, बहुत सारे प्लेयर तो मैक्स हो गए मेरे क्लेन में, मेरा जो ये क्लेन है इसी क्लेन में बहुत सारे मैक्स प्लेयर बैठे हैं, और अगर मैक्स नहीं है तो उनकी बस कुछ वॉल्स बाकी है और या फिर इतना चीज़ बाकी है कि भाई दो महीने में मैक्स हो जाएगा। सो कहने का मतलब है कि भाई तो फिर बहुत बड़ा सीन हो जाएगा, बहुत सारे प्लेयर मैक्स हो जाएंगे तब तक तो, और गेम छोड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है जैसे मैंने छोड़ी थी। तो यहाँ पे अप्रैल में वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा जैसे शेड्यूल में मई में शुरू हो रही है ये रही में, तो वो लोग अप्रैल में दे सकते हैं अपडेट। ओके दैट्स माय प्रिडिक्शन, टाउन हॉल 14 अपडेट अप्रैल में दे सकते हैं, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। अब बोल साले गोब्लिन, अब बोल ना, अब बोल ना मादर चोद। सॉरी माय गलती हो गई। तो फिर बोल रहा हूँ मैं, बताता हूँ तेरे को, मेरे पास सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मुझे नीचे आप बताना कमेंट में कि भाई आपको क्या लगता है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देना, एक लाइक तो बनती है भाई, देखो एक लाइक टपाक से कर दो। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।